हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके नए वीडियो में। मैं हूँ आपका एसके और आज हम बात करेंगे वेपर प्रेशर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई आई एम ऑलरेडी रिटन इन द बोर्ड VVIP। ओके, सो अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोगों को केमिकल इंजीनियर 2-3 सेमेस्टर तक समझ में नहीं आता है एक्चुअल वेपर प्रेशर होता क्या है। ठीक है, एक्चुअल वेपर प्रेशर होता क्या है, कैसे काम कर रहा, बस एक सिंपल से क्या होता है, रट्टा मार लेते हैं, एग्जाम में लिख दिया और काम खत्म हो जाता है। तो नहीं, हम लोग यहाँ समझेंगे। यहाँ पर ही आप इतना पूरा परफेक्टली हो रहा है कि आप कोई पूछेगा इंटरव्यू में या कहूँ भी, तो आप बहुत अच्छे से बता पाएगा कि वेपर प्रेशर कहते किसको है। सो लेट्स स्टार्ट। सिंपल है, पहले हम बात करेंगे वेपर प्रेशर होता किसको है। तो होता है कि किसके माइंड में क्या आता होगा, शायद लिक्विड का, गैस का, कोई कुछ ज्यादा ज्यादा इतना ही आ सकता माइंड में। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो गैस का वेपर प्रेशर होता नहीं है, वेपर प्रेशर वेपर का ही होता है। ठीक है, पहले बात ये देखना कि वेपर प्रेशर जो भी होगा वो हमेशा वेपर का होगा, गैस का नहीं होगा। ठीक है, तो वेपर किसका किसका बन सकता है सोचिए, तो आपका सॉलिड का बन सकता है और लिक्विड का बन सकता है। तो समझ में आया, वेपर प्रेशर किसका होगा, सॉलिड और लिक्विड हैव वेपर प्रेशर। ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड हैव वेपर प्रेशर, नॉट गैस। बिकॉज गैस वेपर नहीं है। ठीक है, वो उसका अलग है। हाँ, कोई गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कीजिए, फिर लिक्विड से आप वेपर में कन्वर्ट कीजिए, तब हो जाए। तो फिर तो वही वजह बात हो जाएगी, लिक्विड है उसका वेपर हुआ। सो अब बताइए सॉलिड, तो आपने यह सुना होगा सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, तो उसमें सब्लिमेशन क्या हो रहा, तो उसमें वेपर ही बन रहा। कोई सॉलिड डायरेक्ट जो है गैस में जा रहा है, गैस का नहीं मतलब वेपर में बनता पहले, तो वो आपका एक वेपर प्रेशर है। इसलिए आपको कोई भी सॉलिड, पत्थर लीजिए, सोना, कोई चीज लीजिए, सबका वेपर प्रेशर होता है। भले हमें वो, हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर इंजीनियरिंग लाइफ में, हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जनरली लिक्विड का ही मेजर करते हैं और समटाइम्स सॉलिड का, और सम सॉलिड में किसी किसी का ज़्यादा कम नहीं रहता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आप शायद आप ये टॉपिक के बारे में, इस बारे में शायद नहीं जानते होंगे, तो जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर डेफिनेशन के बारे में। तो एक चीज़ तो क्लियर होगा कि वेपर प्रेशर हमेशा वेपर का होगा। वेपर किसका होगा, लिक्विड और सॉलिड का होगा। ठीक है, तो मैं जब कॉलेज में था, एक सिंपल याद करना बहुत मुश्किल होता था, तो मैं ऐसे किसी को भी अरे जिसको रास्ते में चलते पूछ नहीं देता था कि वेपर प्रेशर क्या है, तो हम ऐसे बोलते हैं कि प्रेशर रेगुलेटेड बाय वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ये सिंपल है, अगर किसी को बोल देना है, मतलब किसी को कुछ भी बोल देना है, तो बस ऐसे बोल देना है कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। असल में ये जो डिफिनेशन है आधा ही है। ठीक है, ठीक है, वेपर प्रेशर लिया तो वेपर के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा तो वेपर, लेकिन वेपर रहेगा कब। ठीक है, वेपर प्रेशर को जो डिफाइन किया गया है, ये ओपन सिस्टम में नहीं किया गया है, क्लोज सिस्टम में किया गया। तो जब वेपर प्रेशर की जब भी बात होती है, तो हमेशा क्लोज सिस्टम की बात होती है। ठीक है, सो वेपर प्रेशर इज एलवेज टॉक टू क्लोज सिस्टम। नहीं तो अब देखिए, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जैसे हम खाना बनाते हैं, वहां जो वेपर बनता है, क्या वहां पर वेपर प्रेशर लगा पाता, नहीं, क्योंकि हमारा जो क्वांटिटी है वेपर बहुत कम है और हमारा जो सराउंडिंग है बहुत बड़ा है, तो वहां पर नहीं लगता। अगर वही कोई कंटेनर लेते हैं छोटा सा और एक्सपेरिमेंट हम करते हैं लैब में, तब वो दूसरा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्लोज सिस्टम की पहले बात होती है, और समझ रहे हो कि सॉलिड का भी होता है, लिक्विड का भी होता है। ये शॉर्टकट है, किसी को बताना है तो आप ऐसे बता सकते हैं। अब इसी को हम बना देते हैं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप किसी को हम इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर किसी को बताना है, आप ऐसा क्यों बताइएगा, पहली बात तो ये, ऐसा क्यों बताइएगा, बस इसमें छोटा सा जोड़ना है, वेपर प्रेशर रिलेटेड बाय वेपर, प्रेशर रिलेटेड बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर।
और आपको पता ही होगा इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ पर अटेंड कर पाएगा, जब क्लोज सिस्टम रहेगा तब, नहीं तो इक्विलिब्रियम अटेंड कर ही नहीं पाएगा। तो इतना ही बोलने से ये डिफिनेशन पूर्ण हो जाता है। अब बात आ जाती है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, तो हम लोग बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ वेपर इज रेट ऑफ वेपर इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, जितना हम वेपर बन रहा है उतना ही लिक्विड बन जा रहा है तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो आप समझ गए होंगे प्रेशर रिलेटिव वेपर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इज कॉल्ड अ वेपर प्रेशर, और ये हमेशा क्लोज सिस्टम होता है और इक्विलिब्रियम कंडीशन में समझ आए। तो इस तरह से आप किसी को बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, वेपर प्रेशर किसका होता है ये भी बता चुके हैं। जैसे हम लेते हैं प्योर वाटर का, ठीक है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा, कोई प्योर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर में पता है कि कितना डिग्री सी पे बॉयल होता है, कितना डिग्री बॉयल होता है, 100 डिग्री सी। तो जो प्योर वाटर आता है इसमें भी बात कर रहे हैं हम क्लोज सिस्टम में, तो ये बहुत अच्छा से शो करता है कि कोई भी लिक्विड जो है वेपर बनता है, वेपर से लिक्विड में आता है। तो इसका आ जाता है कितना आपका जो 180, ठीक है, वो 180 के बराबर होता है क्लोज सिस्टम में है, इतना डिग्री पाया जाए तो वेपर, क्योंकि हमारा जो सिस्टम बना वो 180 पे रहता है, सिस्टम को क्या बोलते हैं सिस्टम का प्रेशर, और उतना ही वेपर लगा देंगे बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा या फिर बॉयल होना शुरू करने लगता है। अब बोलिएगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे तो कब हो, हमें तो दिखेगा नहीं, सचमुच वो दिखता ही नहीं है, इक्विलिब्रियम कंडीशन कब क्या बन रहा है क्या हो रहा है कुछ आपको नहीं पता चलेगा। तो आप इस तरह से डिफरेंस बता सकते हैं किसी को, बहुत ईजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और डायग्राम वगैरह अगर ज़्यादा बताना चाहते तो एक सिंपल, जैसे मान बाई चांस अगर इंटरव्यू में दे रहे खासकर BRCH हैवी वाटर बोर्ड, तो वहाँ अगर आप वेपर प्रेशर समझा भी नहीं पा रहे तो आप क्या कीजिए, एक कंटेनर बनाइए और उसमें वाटर डाल दीजिए और इसको हीट कर दीजिए, हीट कीजिएगा, ठीक है, हीट कीजिएगा, क्या होगा ये आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बंद है, ठीक है, ये बंद है, तो फिर क्या होगा ये एक जगह ऐसे जमा हो जाएगा, तो जमा होने के बाद क्या होगा ये दोनों बराबर हो जाएगा सिस्टम के, तो फिर ये नीचे कंडेंस होने शुरू हो जाता है। तो रेट ऑफ वेपर और रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाता है। और यहाँ पर जब इस समय जो वेपर के अंदर जो प्रेशर जो एग्जर्ट किया जाता है तो वो होता है वेपर प्रेशर। तो आप याद रखिएगा, अगर आप किसी को समझा नहीं पा रहे तो आप ये फिगर बनाइए, और फिगर बनाना बहुत ही इंप्रेसिव होता है, मैं देखा हूँ इंटरव्यू में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, तो आप ये जरूर कीजिएगा। आई होप वेपर प्रेशर के साथ कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।